भी बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा है। सारी दुकानें खुली हुई है। आज 8 दिसंबर को भारत बंद का घोषणा की गई थी ट्रेड यूनियन द्वारा, किसानों द्वारा, लेकिन सारी दुकानें देखें आप खुली हुई है। ये देखिए आप, तो देखिए आपका मार्केट खुला है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि बात तो किसानों की भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि लोग इस कानून का समर्थन भी करते दिखते हैं। ये देखिए पूरे दुकानें खुली हुई है सारी। ये नगर निगम का दृश्य है, नगर निगम के सामने भी सारी दुकानें खुली हुई है। ये देखिए वाइन शॉप भी खुला हुआ है भाई, जोधपुर मिष्ठान भंडार, पूरा बाबू बाजार, देखो सब खुले हुए हैं। ये पूरा दृश्य है। कुछ इक्का दुकानें जो है लगभग वो बंद दिखाई दे रही, बाकी सारी की सारी दुकानें, मार्केट खुला हुआ है। ये देखिए आप, ये सारी दुकानें खुली हैं। चलो कहीं भी जो है ज़्यादा बंद का समर्थन नहीं दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप बंद करने का था, लेकिन आज पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं। बड़ी बड़ी कारों के शोरूम खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई है। आप देख सकते हैं सीधा नज़ारा। ये देखिए थिएटर भी खुला हुआ है, होटल भी खुली हुई है, मोबाइल दुकान खुली हुई है। तो आप देखें दिल्ली गेट के सूरज मॉल का ये सीधा दृश्य है, जहाँ पर पूरी सेल फेल सब दिखाई दे रही है। पूरा चुराया है। इधर अभी वोटिंग चल रही है, वोटिंग की गिनती हो रही है, इसलिए इस रोड को बंद किया गया है। पूरा बंद पड़ा हुआ है सामने, तो वोटिंग की गिनती के कारण वो रोड बनना पड़ा है। बाकी सारी दिखे आप, दुकानें सारी खुली हुई है। ये सूरज पोल का सीधा दृश्य है। आप देखें सारी दुकानें बंद का कोई भी असर जो है ज़्यादा नहीं दिखाई दिया है। चलो सीधे तो बंद का जो असर है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दुकानें उदयपुर में खुली हुई है, मॉल खुले हुए हैं। तो हम भी नाश्ता करने के लिए पहुंचे हैं।